राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर हिंगना तहसील के बागधरा में पोषण थाली का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत बनाना है। इसमें आंगनवाड़ी में बच्चों का पोषण, बौनापन, एनीमिया मुक्त, माताओं और महिलाओं के साथ साथ माँ के आहार के लिए विभिन्न गतिविधियों को हर महीने लागू किया जाता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान और महिला और बाल कल्याण, इनके सहयोग से डॉक्टर वासनिक, बाल विकास परियोजना अधिकारी चिंचा सर, पूजा वनकर, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वस्थ भारत प्रेरक सुनीता चौहान, अलका खांते पर्यवेक्षक, ICDS हिंगना, सरपंच पाटिल, उप सरपंच किशोर पड़वे आदि मान्यवर इस समय उपस्थित थे। इस अवसर पर आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा दाल, चावल, गेहूं, चना, इस सभी अनाज से भारत का नक्शा पोषक स्वस्थ भारत के रूप में सजाया गया। सब्जियों, पौष्टिक पूरक आहार, दैनिक भोजन के लिए व्यंजनों को तैयार पोषण थाली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सर्वोत्तम व्यंजनों और उनसे प्राप्त पोषण तत्वों को पहले, दूसरे और तीसरे पुरस्कार दिए गए हैं।